अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टूर है वो है साउथ अफ्रीका के लिए, और अभी मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि साउथ अफ्रीका की टूरिस्ट हिस्ट्री कैसी है। साउथ अफ्रीका आप समझ सकते हैं अफ्रीका का अमेरिका है, और उसका वीज़ा भी इतना टफ नहीं है। अगर आपकी हिस्ट्री है एक दो साल पुरानी तो आप इजीली साउथ अफ्रीका का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। 3500 एम्बेसी फ़ीस है। VFS ग्लोबल वाले चार्ज करते हैं 8000 रुपीज़ इसके लिए, और आपको येलो फीवर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। अच्छा है आपके लिए, क्योंकि अफ्रीकन साइड पे मैंने सुना है कि कुछ मामलात है जिसकी वजह से वो येलो फीवर सर्टिफिकेट मांगते हैं, और अमेरिका भी आई थिंक मांगता ही है फॉर द इमिग्रेशन, जब इमिग्रेशन पर्पस के लिए अमेरिका अप्लाई किया जाता है। अच्छा, मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं? मैंने सिंपल अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, अपना पुराना प्रीवियस पासपोर्ट लगाया है, और अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, चेंबर का सर्टिफिकेट लगाया है, और अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई है 6 मंथ की। अच्छा, इसके ऊपर ना एक और बात भी है कि वहाँ पे मेंशन है इनकी चेकलिस्ट पे कि अगर आप कोई भी किसी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो आपका पासपोर्ट जो है वो FIA वालों को दे दिया जाएगा, तो फिर आप FIA वालों से खुद डील करेंगे इसके लिए। बहुत ईजी वीज़ा है साउथ अफ्रीका का, और अब देखते हैं इंशाल्लाह वहाँ पे जाके कि कैसा है कंट्री और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह मैं आपसे वक्तन फवक्तन यूट्यूब के ऊपर मैं अपनी वीडियोस भी अपलोड करता रहूँगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह